बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त बता रहे थे कि अभी मैंने अपने गरीब तरीन शागिर्द का स्टेटस देखा कि मस्जिद नबवी के सहन की तस्वीर लगाई है। दिल में एक हुक सी उठी कि काश अल्लाह ताला इस बेचारे को भी सफ़रे हरम नसीब करते। इसकी वालिदा बीमार हैं, वालिद भी बेहतरीन मुदर्रिस हैं, मगर घर में अक्सर औकात फाके रहते हैं। मैंने तसल्ली के लिए कमेंट किया कि भाई इंशाअल्लाह अल्लाह आपके गुरबत के दिन ख़त्म करेगा और यहाँ हाज़िरी भी हो जाएगी। उसने रोते हुए जवाब दिया, उस्ताद जी मैं हरम में बैठा हूँ लेकिन हज के लिए पहुँचा कैसे, कुछ नहीं मालूम। कहता है कि गालिबन एक हफ़्ता कबल मस्जिद से घर जा रहा था कि किसी के मोबाइल से रिंगटोन में लब्बई का अल्लाहुम्मा लब्बई की आवाज़ सुनी। दिल भर आया, दीवार की ओट में होकर बहुत रोया और तलबी कहता रहा। घर पहुंचने के एक घंटा बाद मेरा एक मुक्तदी आया, मुझे कहा आपका पासपोर्ट बना है? मैंने कहा कि बना हुआ है। कहता है फिर चलो हज पर जाओ। और सारे अखराजात उसने किए। मुझे आखिर तक समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे होगा। परसों सुबह उसने मुझे घर से लिया, काफ़ी सारे नकद रियाल दिए और एयरपोर्ट से जहाज़ पर बिठा दिया और कहने लगा आका अली सलाम से कहना मेरे लायक कोई और खिदमत, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनतों पर अमल पैरा फरमाए। आमीन।